राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानति पासवान के नेतृत्व में पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 75वीं जयंती मनाई गई। बलिया लोक जनशक्ति पार्टी के तत्वाधान में नगर के टाउन हॉल बापू भवन परिसर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 75वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्वर्गीय रामविलास पासवान कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, वे सदा गरीबों मजलूमों के लिए मददगार रहे और अपने देश व राष्ट्र को नई ऊर्जा गति एवं दिशा देने का कार्य किया था। कभी किसी का अन्य पार्टी के नेताओं के लिए उन्होंने पूरे जीवन अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। आज उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है। महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानति पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान एक कर्मठ जुझारू के साथ साथ व्यवहार कुशल एवं मृदुभाषी थे। वे सदा समतामूलक समाज के निर्माण के लिए संकल्पित रहे। हम सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्प लें। ज्ञानति पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है कैसा कार्यक्रम है मैडम? थोड़ा ये लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती समारोह है जो हम इस बागी बलिया के धरती पर मना रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के बीच। जी, आज जो 75वां जन्मदिन है इस शुभ अवसर पर आप उनको किस तरह भेंट करना चाहेंगे, किस तरह क्या उनको और आम पब्लिक को पूरे देश को या उत्तर प्रदेश को क्या संदेश है आपके द्वारा? इस जयंती के शुभ अवसर पर मैं अपने रामविलास पासवान जी के, अपने मंत्री जी के, जो उनका मिशन था, जैसा सर ने कहा कि वंचित गरीब और दलित अल्पसंख्यक यहाँ तक कि वो समग्र वर्ग के लोगों के लिए वो काम करते थे और उनका मिशन था कि जो लोग हमारे अभी तक के अग्रिम पंक्तियों में नहीं खड़ा हो पा रहे हैं उनको हम बराबर का दर्जा दिलाने के लिए उन अपना मिशन आगे बढ़ाए हैं और उन्हीं के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुए हैं। जी, तो क्या आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, क्या चुनाव समझदारी से लड़ेगी या किसी गठबंधन होगा भाजपा या की है? अब ये डिसीजन तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे चिराग जी पासवान जी हमारे जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही ले सकते हैं, बाकी अभी हम कैसे कह सकते हैं। जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है थोड़ा पासवान जी के विषय में कुछ बातें बताइए, क्या उन्हें क्या खूबियाँ थी जो दो दो बार वो सांसद अधिक मतों से जीते हो? हमारे पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में खूबियाँ ही खूबियाँ थी, कमियाँ तो थी ही नहीं, ये हर कोई जानता है। हमारे पासवान जी 9 बार का वो सांसद रहे हैं लोकसभा का और 2 बार राज्यसभा का सांसद रहे हैं और जितनी सरकार सत्ता में आई सबके सरकार में वो जो हैं वो मंत्रालय संभाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने साफ सुथरे छवि के मंत्री थे, बेदाग एकदम और निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए काम किया है, तो उनका उद्देश्य कितना अच्छा रहा है। वो जब भी मंत्रालय संभाले हैं गरीब से लेकर के, पिछड़ों से लेकर के, अल्पसंख्यक से लेकर के, जनरल तक के लोगों का साथ दिया है। आप देख सकते हैं कि अभी जनरल के लोगों को भी 10% आरक्षण लागू करवाए हैं, अल्पसंख्यक पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन हाँ वो लागू करवाएं, तो खूबियाँ ही खूबियाँ थी, इसलिए हम लोग जो है ये मिशन आगे बढ़ाए। जी, जिस उद्देश्य जिस रामविलास पासवान जी ने उनके अपने खूबियों को चर्चित रहे पूरे भारत में, तो क्या उन्हीं के उद्देश्यों पर उनके चिराग पासवान खाए उतर पाएंगे? हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे चिराग पासवान जी अपने पापा रामविलास पासवान जी के उनसे उनके संस्कारों में पले बढ़े, उनसे 2 कदम अच्छा काम करेंगे और वो भी समग्र लोगों के लिए काम करेंगे, वो जाति आधार पे नहीं करेंगे। उनके नजर में जो दबाए दलित जो भी गरीब परेशान लोग हैं वो उनका मसीहा बनेंगे और ये गारंटी है
कि वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं उत्तर प्रदेश में भी आकर के वो हर घर को रोशन करेंगे।